हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए और अपने वॉच कलेक्शन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। तो आज मैं अपना वॉच कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज अपना वॉच कलेक्शन में मैं अपने सारे वॉच आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी वॉच हैं और मेरी फेवरेट भी है, और एक मेरे हबी ने भी मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया था, वो तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं कब कौन सी पहनती हूँ, कब ली हूँ, कहाँ से ली हूँ, सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको भी पसंद आएगी और मेरी जो कलेक्शन है हो गए। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे ज़्यादातर टाइटन की घड़ी पसंद है, और टाइटन और एक गैस की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये सारी मेरी वॉच हैं और इसमें सारी हैं, पुरानी नई सब हैं। सब मैंने एक साथ बॉक्स में करके मैं इसको रखती हूँ इस तरह से। तो चलिए मैं एक एक करके बताऊँगी कि ये मेरी कौन सी है और कब मैं पहनती हूँ, कौन सी कब। तो इस बॉक्स में ही मैं रखती हूँ, जब मुझे पहनना होता है तो मैं पहन लेती हूँ, और जब उतारना होता है तो उतार के फिर इसी बॉक्स में रख देती हूँ। ये मेरे ड्रेसिंग टेबल पे ही बॉक्स रहता है हमेशा। फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने गैस घड़ी का रिव्यू दूंगी, और ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे हबी ने मुझे एक बर्थडे पे गिफ्ट में दिया था, और ये बहुत ही यादें जुड़ी हैं इससे, क्योंकि हम लास्ट ईयर से लास्ट ईयर ओमान में 2 साल के लिए थे, तो वहाँ पे से ये घड़ी लिया था मैंने। तो ये इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन्होंने बर्थडे पे मुझे वहाँ से दिलाया था, और ये सबसे अच्छी वाली मेरी घड़ी है, सबसे प्यारी और सबसे अच्छी वाली। तो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये मैं कभी कभी पहनती हूँ, जब कोई ओकेजन होता है या कोई कहीं पे बाहर जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल है, तो इसको मैं तब पहनती हूँ, हमेशा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी भी है और बहुत कॉस्टली भी है, तो मैं इसको बहुत ही ध्यान रखती हूँ। और इसको मैं अलग से रखती हूँ, और क्योंकि अभी मुझे दिखाना था तो इसलिए इसको मैंने इसमें रखा है, नहीं तो इसका अलग से बॉक्स है, तो मैं उसमें इसको रखती हूँ, बहुत ही संभाल के इसको रखती हूँ, क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरी ये भी ये टाइटन की मेरी वॉच है। टाइटन की ज़्यादातर सब टाइटन की ही है मेरी, और मुझे टाइटन बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वॉच मेरी मम्मा ने मुझे दिया था, और ये मुझे बहुत पसंद है, और बहुत सिल्वर उस टाइम पे चलता था, उस टाइम मीन्स कि 4-5 साल हो गया है, तो इसका जो चेन है और वो एकदम ब्रेसलेट जैसा लगता है, तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। तो ये मेरी सेकेंड है। अब मैं आपको थर्ड दिखाती हूँ। ये थर्ड भी बहुत प्यारी है, छोटी सी है, और इसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों हैं। ये मैंने खुद से ही लिया था और बहुत पसंद आई थी मुझे, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो और इसका देखिए इतना प्यारा है, और इसको काफ़ी साल हो गए, मुझे लगता है 6-7 साल हो गया, 6-7 साल पुरानी है ये, और बिल्कुल देख के आप बोल नहीं सकते कि इतना पुरानी होगी। और इसका देखिए चेन और सब उसी तरह शाइन कर रहा है, तो देखिए कैसा लग रहा है। तो इसको भी मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, और मेरे हाथ में कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा। और इसका चेन लगाने का भी लॉक भी बहुत अच्छा है, बहुत इजीली लग जाता है और आराम से लगा सकते हैं इसको, देखिए कैसा लग रहा है। तो इसको बताइएगा आप लोग, आपको कौन सी वाली वॉच मेरी अच्छी लगी। तो आप लोग सारे वॉच देखिए, एंजॉय कीजिए। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ और फिर नेक्स्ट अपनी वॉच दिखाती हूँ। और ये भी मैं कभी बाहर जाती हूँ कहीं, तब मैं पहनती हूँ उसको, और फिर जैसे आती हूँ फिर यहाँ उतार के इसी बॉक्स में रख देती हूँ, क्योंकि तो मुझे एक जगह अच्छे से रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा हो गया। और ये नेक्स्ट 4 है, और ये भी टाइटन की है। ये भी मैंने ओमान से ही लिया था, ओमान मस्कट से।
ये भी मुझे बहुत पसंद है। टाइटन रागा है और ये तीनों जो है वो टाइटन रागा है, क्योंकि मुझे रागा की घड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी सिल्वर बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि अब गोल्डन लेती हूँ, क्योंकि अब गोल्डन सब लोग ज़्यादातर गोल्डन का फैशन आ गया, तो फिर मैं इस गोल्डन लिया क्योंकि बीच में सिल्वर का फैशन आ रहा था। तो ये पूरा मैंने गोल्डन में लिया और इसके जो नक्स लगे हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे, और इसका जो चेन का डिजाइन है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये मैंने लिया था, ये भी मैंने शायद बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ पे लिया था वहाँ पे। तो ये भी मेरी वहाँ की है, ये दोनों घड़ियाँ मेरी ओमान की हैं और मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल के करीब है मेरे। और आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अब उसके बाद मेरी आती है नेक्स्ट, तो ये मतलब किसी ब्रांड की नहीं है, एकदम फैशन की घड़ी है, और कभी कभी जैसे कोई पार्टी हो कुछ हो तब मैं इसको पहनती हूँ, और फैंसी है ये, और कभी कभी पहनती हूँ इसको। उसके बाद जो नीचे है ये मेरी जो दो तीन घड़ियाँ हैं ये काफ़ी पुरानी है, ये भी फैंसी है, कभी ऐसे पार्टी वार्टी होती तो ही पहनती हूँ मैं। जो नेक्स्ट ये वाली है ये मेरी बहुत पुरानी घड़ी है और ये भी टाइटन की है, और ये मैं जब पढ़ती थी तब की है, मतलब मीन्स 20 साल हो गया होगा, 20 साल पुरानी है ये, आपको यकीन नहीं होगा, वैसे ही है पूरी। और ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, ये मेरे भाभी के यहाँ से मिली थी मुझे, तो इसको डेली यूज में मैं पहनती हूँ, ये दोनों डेली यूज में पहनती हूँ, जैसे मार्केट गए कहीं गए तो इस तरह से इसको पहनती हूँ मैं। और ये भी टाइटन की है, और ये मैंने लिया था, इसको भी हो गया 3-4 साल तो हो गया है, और ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगती है, इसको मैं डेली में पहनती हूँ, जैसे कभी बाहर गए ऐसे सब्जी लेना है या कुछ, मुझे क्योंकि घड़ी मेरे हाथ में मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना पसंद है मुझे, तो बहुत इजीली इसको बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं तो आराम से, तो ये मैं डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। तो ये भी मुझे क्योंकि सारी मेरी छोटी छोटी डायल की हो गई तो मैंने सोचा कि एक बड़े डायल की लेती हूँ, तो ये बड़े डायल की इसलिए मैंने लिया था। तो आपको इसमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा। मैंने बस ऐसे मन में आया कि चलो मैं कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी वॉच कलेक्शन, तो मेरा वॉच कलेक्शन आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। बीच में मैं शूट कर रही थी तो आरिका आ गई है, तो साइड में आरिका दिख रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने देखा कि आरिका आ गई है, देखा उसका हाथ दिखाई दे रहा है पीछे। तो इस तरह से मैं अपने रखती हूँ वॉच को, तो ये दोनों पहन के एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कैसी लग रही है मेरे हाथ में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है मेरा वॉच कलेक्शन तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा वॉच का कलेक्शन का, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, पुष्पलता किचन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और आगे और क्या आप मेरे वीडियो में देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और आपको मेरी कौन सी वॉच सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे तो सभी पसंद है, आपको कौन सी अच्छी लगी वो बताइएगा। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बाय बाय।